हेलो दोस्तों, फाइनली सब टीवी बदल चुका है और सब टीवी बदलते ही ऐसा लग रहा है कि पोपटलाल की किस्मत भी बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, फाइनली अब होगी पोपटलाल की शादी। देखते रहिए दोस्तों ये वीडियो, क्योंकि आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों, जब सब बदल रहा है तो क्यों ना पोपटलाल की किस्मत भी बदल जाए। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही सोच रही है तारक मेहता शो की टीम। तभी तो सामने से लड़की वालों ने इंटरेस्ट दिखाया है पोपटलाल की प्रोफाइल में, और पोपटलाल को देखने के लिए आ रहे हैं लड़की वाले। अब जैसे इस बात को प्रमोट किया जा रहा है कि सब बदलने वाला है, ऐसा मालूम होता है कि अब की बार तो पोपटलाल की शादी हो ही जाएगी, क्योंकि अब नहीं होगी तो कब होगी। लेकिन इस बार फाइनली कुछ पॉजिटिव साइंस दिख रहे हैं। शायद सोसाइटी में दया भी नहीं है, तो हो सकता है कि दया के ना होने से पोपट की शादी हो जाए। लेकिन दोस्तों, मेरा पर्सनली मानना है कि जो अब लड़की देखने वाले आ रहे हैं, अगर वो लड़की कोई इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होती है तो चांसेस ज्यादा हैं पोपट की शादी होने के। क्योंकि अगर पोपटलाल की वाइफ का रोल किसी को दिया जाएगा तो वो लड़की का इंटरेस्टिंग कैरेक्टर तो होगा ही, क्योंकि फिर वो तारक मेहता शो का परमानेंट कैरेक्टर बन जाएगी। लेकिन अगर जैसे पहले लड़कियां दिखाई वैसी ही लड़की होती है तो बहुत ही कम चांसेस हैं कि इस बार भी पोपटलाल की शादी हो पाए। वैसे आई होप कि पोपटलाल की शादी इस बार हो जाए और फिर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरीज देखने को मिले। जैसे कि पोपटलाल शादी से पहले इतना एक्साइटेड होता है, शादी होने के कुछ टाइम बाद बेचारा परेशान होता हुआ नजर आए और सोडा शॉप पे सबके साथ बैठे हुए कंप्लेन करे कि क्यों कर ली मैंने शादी, पहले ही कुआरा अच्छा था। फिर सब उसका मजाक उड़ाए कि जब नहीं हुई थी तब भी पोपटलाल परेशान रहता था और अब हो गई है तो भी परेशान। तो इस पर भी इंटरेस्टिंग स्टोरीज दिखाई जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल तो हमें हमेशा की तरह देखना होगा कि पोपट की शादी होती है या नहीं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इस बार पोपट की शादी होगी या नहीं? आप अपने व्यूज नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और बॉलीवुड टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि आप आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस पा सकें।